नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं पोस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को नए जम्मू कश्मीर का विजन दिया था। ये उसी विजन का कमाल है कि आज जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा सुधर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अब बदलाव की बयार बह रही है और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की इस नई तस्वीर में पीएम मोदी के विजन की झलक साफ नजर आई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार अपने मिशन कश्मीर से वही वहां की आवाम का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा। लगभग सवा दो साल के बाद जम्मू कश्मीर आया। आवाम से किया सीधा संवाद। जनता का दिल और भरोसा। अमित शाह साहब, दो साल के बाद मैं तुम्हें बिठाने के लिए आपके बच्चों को दिल्ली नहीं ले जाना है, मेट्रो ही जम्मू में आना। मोदी विजन ने बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम उसको सहन ही नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का कश्मीर दौरा कई मायनों में अहम रहा। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री ने कुछ ऐसा किया जिसने कश्मीर की जनता का दिल जीत लिया। कश्मीर की जनता ने गृह मंत्री अमित शाह का ये अंदाज पहली बार देखा। चाहे वो हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से सफर हो या कश्मीर की आवाम से बात करने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके बीच चले जाना, तभी तो कश्मीरियों ने भी उनसे अपने दिल की बात कही। खाली जगह बनाओ, खाली जगह बनाओ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के लगभग 2 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार जम्मू कश्मीर में 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का 3 दिन का दौरा किया। हालांकि गृह मंत्री के दौरे की खबर के बाद भारत विरोधी ताकतों ने घाटी में हिंसा फैलाकर उनके इस दौरे में विघ्न डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह उनके नापाक इरादों की चिंता किए बिना अपने दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जिस वक्त अमित शाह का प्लेन लैंड हुआ तो उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे की शुरुआत पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद दार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर की। शहीद जवान के घर जाकर अमित शाह ने परवेज अहमद दार के परिजनों से भेंट भी की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवान की पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी दी। शहीद जवान के परिवार से भेंट करने के बाद अमित शाह श्रीनगर के राजभवन के लिए रवाना हुए। प्रोटोकॉल के तहत गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन अमित शाह ने सिर्फ सड़क का ही रास्ता चुना, जिसका मकसद कश्मीर के आवाम के दिलों में सुरक्षा के प्रति विश्वास जगाना था।
राजभवन पहुंचकर अमित शाह ने 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा पर एक लंबी बैठक की। सुरक्षा समीक्षा बैठक खत्म करने के बाद अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में युवा क्लब के सदस्यों से संवाद किया। For us youth, for our empowerment and our engagement in various activities that we like. To crack civil exams or exams of similar nature like the UPSC, JKPSC, etc. Thank you. आपने कितने लोगों को बताया है कार्यक्रम के बारे में? आपके दोस्तों को, आपके सर फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर जो है वो खुश हो जाते हैं कि हाँ हम भी अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, उनकी ड्रीम्स पूरी करना। तो जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के सदस्यों से सीधा संवाद करने के बाद गृह मंत्री ने उन्हें संबोधित भी किया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के यूथ क्लब के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनसे मिलने के बाद उन्हें बेहद खुशी और सुकून मिला है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है, कोई भी चीज बदलनी है, तो परिवर्तन का वाहक केवल और केवल युवा हो सकता है। कोई भी परिवर्तन युवाओं के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, युवाओं की सहभागिता के बगैर संभव ही नहीं। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए कश्मीर की रचना की शुरुआत हुई है और 2.5 साल पहले तक कश्मीर से पथराव, आतंकवाद और हिंसा की जो खबरें आती थी, आज उनकी तस्वीर बदल चुकी है। 2.5 साल पहले जिस तस्वीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में, वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि वो कश्मीर में युवाओं से दोस्ती करने आए हैं। और मैं तो कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करने आया। आप मोदी जी के साथ जुड़िए, भारत सरकार के साथ जुड़िए और कश्मीर को आगे ले जाने की जो यात्रा शुरू है उसके साथ आगे। ढेर सारी संभावनाएं कश्मीर के युवाओं के लिए पड़ी। मोदी जी, कश्मीर को कुदरती सौंदर्य की दृष्टि से तो ईश्वर ने आपको स्वर्ग बनाया ही है, मगर मोदी जी यहाँ शांति, समृद्धि और विकास को भी देखना चाहते हैं। युवाओं से सीधे संवाद के बाद अमित शाह ने कश्मीर को एक सौगात भी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया। श्रीनगर एयरपोर्ट आज से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रैक्टिकली कन्वर्ट होने जा रहा है, तो मैं मानता हूं आज श्रीनगर के टूरिज्म के इतिहास में बहुत सुवर्णमयी दिन है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राजभवन में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए जम्मू कश्मीर के सुरक्षा कर्मियों के परिजनों और आतंकी घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने वहां मौजूद हर शख्स को इस बात का भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार और पूरा देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान पूरे देश ने अमित शाह का एक नया अंदाज देखा। अमित शाह के इस अंदाज ने न सिर्फ कश्मीर के दिल को छुआ, कश्मीरियत को छुआ, बल्कि कश्मीर से एक अटूट रिश्ता बनाए रखने की नींव रख दी। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो सपना देखा था, उस विजन के तहत जम्मू कश्मीर निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह जम्मू के लिए रवाना हुए। जम्मू एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। जम्मू एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे नगरोटा के लिए रवाना हो गए। नगरोटा में उन्होंने जम्मू के नए आईआईटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के युवाओं की शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके बाद अमित शाह ने जम्मू के जेडीए ग्राउंड में कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर वहां मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये पीएम मोदी के विजन का ही कमाल है कि दशकों तक विकास से वंचित रहे जम्मू क्षेत्र और वहां के लोगों को अब उनका अधिकार मिल रहा है। गृह मंत्री के संबोधन की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने अपना भाषण बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से नहीं बल्कि खुले मंच से दिया। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूँ, सबसे पहले ये कहने आया हूँ कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है और कोई आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। सालों तक अन्याय झेला है। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर लोगों से भी मिले। इस दौरान लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और वहां भारत माता की जय के नारे लगे। जम्मू के जेडीए ग्राउंड में रैली को संबोधित करने के बाद अमित शाह जम्मू के गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम में मत्था टेकने गए। गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम में मत्था टेकने के बाद गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडित गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि मंडलों और जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से मुलाकात की। इसी दौरान अमित शाह श्रीनगर के स्कूल में आतंकवादी हमले में शहीद हुए युवा शिक्षक दीपक चंद के परिवार वालों से भी मिले। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर घाटी में तैनात पुलिस कर्मियों के परिजनों से इस संवाद ने इस बात को साबित कर दिया कि मोदी सरकार हर हालात में देश के इन जांबाज पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के एक फैसले ने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा के बॉर्डर गांव मकवाल जाने का फैसला किया। सरहद पर बीएसएफ की पोस्ट पर अमित शाह ने न सिर्फ जवानों के साथ बातचीत की बल्कि बीएसएफ के जवानों और आम नागरिकों के लिए बने बंकरों का भी निरीक्षण किया। बीएसएफ की पोस्ट देखने के बाद अमित शाह मकवाल गांव की गलियों में निकल पड़े। मकवाल गांव से पाकिस्तान महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। रात के अंधेरे में बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने मकवाल गांव की गलियों में घूमते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की आवाम समेत पूरे देश को ये मैसेज दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का हर बाशिंदा महफूज है। गांव में घूमते हुए अमित शाह एक गांव वाले चुन्नी लाल के घर भी गए और वहां उनके आंगन में बिछी चारपाई पर चुन्नी लाल के साथ बैठकर उनके साथ काफी देर तक बातचीत करते रहे। इस दौरान उन्होंने चुन्नी लाल का मोबाइल नंबर भी सेव किया। इसके बाद उन्होंने वहां चाय पी और चुन्नी लाल के घर पर काफी वक्त बिताने के बाद वो वापस श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। 25 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह खीर भवानी मंदिर के लिए निकल गए। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। खीर भवानी मंदिर में मां के दर्शन करने के बाद अमित शाह वहां से सीधे राजभवन आए और वहां सूफी संतों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सूफी संतों के प्रतिनिधि मंडल से उनकी मुलाकात ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार शांति और उदारवाद के सभी नुमाइंदों से बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 25 अक्टूबर को ही अमित शाह ने श्रीनगर में पीएम मोदी के विजन के तहत एक नहीं बल्कि कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
मंच पर पहुंचकर अमित शाह ने जम्मू की रैली की ही तरह मंच पर लगे बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवा दिया। मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है, इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। दरअसल अमित शाह का ये भाषण उनके दूसरे भाषणों से बिल्कुल अलग था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कश्मीर के दिल को छुआ, कश्मीरियत को छुआ और कश्मीर से अटूट रिश्ता बनाए रखने की नींव रखी। हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पूरे देश के लोगों में कश्मीर घाटी में विश्वास जगाने के लिए डल झील पहुंचकर वहां हाउसबोट फेस्टिवल का शुभारंभ किया। लेकिन दिल्ली वापसी से पहले अमित शाह ने एक बार फिर एक फैसला कर सभी को चौंका दिया। अमित शाह पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे और कैंप का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों के बीच बैठकर उनके साथ न सिर्फ डिनर किया बल्कि वो रात को कैंप में ही रुके। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते, ये मानवता के खिलाफ। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो सपना देखा था उस विजन के तहत जम्मू कश्मीर निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता, घाटी की जनता तय कर ले मोदी जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ना है और जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित सूबा बनाना है। मित्रों, आप मेरे साथ तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है, तैयार है, तैयार है?